खत्मा हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा पानी लगाएंगे और रुकने बाकी ना रुपये भूखे इसमें पटा था और अभी उस वाले में पटा है, तो उसमें कदवा हो गया है, रहते हैं उसमें भी हो गया और मैं अपने में अब जोड़ूंगा, इसी में उखाड़ना है तो उखाड़ रहे हैं सब, तो उखाड़ते हैं हम लोग अब बिया उखड़े थे खूब। और तो ये बोरा पड़ा है 37 किलो का है और 37 किलो वजन है, पड़ा है 250 रुपया और एक था 30 किलो का बोरा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 हो रहा है, इस समय का व्यू देख सकते हैं इस तरह का है और आज कड़ाका धूप होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है। तो और अभी मैं चल रहा हूँ सीधे खेत में, क्योंकि आज रोपनी होने वाला है तो बिया उखड़ने गया है, तो पिताजी और भगलू चला गया है और मैं अभी चल रहा हूँ, तो चलिए निकलते हैं। तो चलते हैं खेत में अब डायरेक्ट। तो चलो हाँ कहाँ जाइए, रुकने तोरा बाकी ना अभी रुपये भूखी कालू गेबे ना कहला कालू तोरा आरी मेले पानी गेल रही रात कालू सनाज में आ वो से पूरा पाइप समटा के पश्चिम भर चला ले। बाद में फिर पाइप परेशानी अब ज्यादा होता, पाइप बिछा रहा गिर रही तो बिछा वही जोड़े पाट गिर रही है और उनके पटले काल रोपोगा। दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ खेत में और देख सकते हैं कि ये इसी में उखाड़ना है, तो उखाड़ रहे हैं सब, तो उखाड़ते हैं हम लोग अब बिया उखड़े थे खूब झोरा ही छो लेकिन के हाँ तो सूख गए तो उखाड़ते हैं। उन्हें बिंदसा भाई से पूछ ला है ना पूछ दोस्तों अभी 8 बजने वाला है लगभग और इसको ले आके उखाड़ चुका है देख सकते हैं, और अभी पानी में भिजने के लिए जड़ को रोड कर जा रहा है, तो इसको बना देते हैं। दोस्तों अभी 8:30 हुआ है और 2 बोझा उखड़ गया है, इससे पूरा इधर का उखड़ गया, भावलू लेकर जा रहा है पानी में रखने, एक रख के आ गया है बोझा। और अभी चलते हैं खाना खाने, क्योंकि माई खाना ले आई हुई है, पिताजी अभी खा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ खाने लिया उखड़ के एक बोझा और उखड़ना है, तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी पौने 11 हो रहा है और अभी मैं चल रहा हूँ बिया लेकर के, देख सकते हैं, और चलते हैं क्योंकि पानी भी पटाना है, तो देखते हैं दूसरे का पट रहा था तो अभी पटा है कि नहीं, पट गया होगा तो अपने में खोलेंगे, तो चलिए डायरेक्ट खेत में चलते हैं। दोस्तों अभी खेत में पहुँच चुका हूँ, ये देखिए इसी में पटने वाला है पानी, तो रात को ही इसमें पटा था और अभी उस वाले में पटा है, तो उसमें कदवा हो गया है, देखते हैं उसमें भी हो गया और मैं अपने में अब जोड़ूंगा, तो चलिए थोड़ा सा उसको पटने देते उसके बाद जोड़ते हैं। दोस्तों अभी 11 बज रहा है और अभी पानी चालू हुआ है, देख सकते हैं तो पानी पटने लगा अभी, और कितना घंटा लगता है देखते हैं, 3 बजे तक होना चाहिए अगर लाइट नहीं कटेगा तो, पटने देते हैं। दोस्तों अभी 11:30 हो रहा है, अभी पानी पट रहा है, तब तक अभी चल रहा हूँ, थोड़ा सा भैंसी के लिए चोकर लेकर आना है, तो चलते हैं, चलेंगे ससोला वहाँ से चोकर लाना है। फिलहाल अभी आ गया हूँ घर दोस्तों और अभी चलेंगे लाने चोकर, आज साइकिल से चलेंगे, इधर साइकिल लगा हुआ है तो इसके लिए लाएंगे, देख सकते हैं ये भैंस है और इसका बच्चा है पहले वाला ये वाला है, और कल सुबह में इसका जन्म हुआ, यही है पारा है, देख सकते हैं बच्चा में कितना प्यारा सा लगता है, ये अच्छा लगता है। और ये मरखा है, ये मारती है, जब इसको पाल जाते हैं तो मारता है भैंसी, और इसको देखिए देखिए दोस्तों अभी मैं खिस्सा खा रहा हूँ, देख सकते हैं यही है,
भैंसी दिया था ना, तो अभी इसका नया दूध रहता है तो दूध फट जाता है, वही इसी का खीरसा है, देख सकते हैं इसको खा रहे हैं। इसको कैसा लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मिठाई, पेड़ा जैसे लगता है इसका टेस्ट, वो भी खाते हैं। दोस्तों अभी चल रहा हूँ, आज रास्ते में हूँ, तो चलिए दुकान में जाकर चलते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ दुकान में, और देख सकते हैं कि इधर बारिश थोड़ा हुआ है, उधर से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा बुनी है, अभी फिलहाल पड़ रहा है, और चोकर का रेट पूछ लिए हैं तो अभी ले लेते हैं चोकर, उसके बाद चले अभी ले लिया चोकर का बोरा, और देख सकते हैं कि इधर लोड भी कर लिया हम साइकिल पर, और अभी चलते हैं, तो चलिए। हेलो दोस्तों, ले लिया चोकर का बोरा और अभी चल रहा हूँ घर, अभी रास्ते में हूँ। और दोस्तों ये बोरा पड़ा है 37 किलो का है, और 37 किलो वजन है, और पड़ा है 250 रुपया, और एक था 30 किलो का बोरा, तो वो पड़ रहा था 950 रुपये, तो ले लिया हूँ 37 किलो का बोरा 250 में। चलते हैं अभी डायरेक्ट घर पर, इसको उतारेंगे, उसके बाद खाना खाएँगे और फिर जाएँगे खेत में। चलिए अभी लगभग 12:30 पौने एक हो रहा है, तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं खाना ना खा करके जा रहा हूँ, अभी 1:30 बज रहा है, और घर आया हूँ चक्कर लगा के, तो लगभग 1 बज रहा था, अभी जा रहा है खेत में, देखते हैं कि कितना पटा हुआ है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं खेत में। खेत में अभी पहुँच गया दोस्तों, और देख सकते हैं कि अभी इतना ही पटा हुआ है, बार बार लाइट कट जाता है, इस वजह से जो है ना जो पानी पटा रहता है वो भी सूख जाता है, तो देखते हैं कब तक पड़ता है, अभी लाइट कटा हुआ है और 2 बजने वाला है। तो अभी 3:15 हो रहा है, और अभी मतलब पानी लग चुका है और कदवा हो रहा है, अभी देख सकते हैं 3:15 कदवा हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। तो अभी 5 बज रहा है, और अभी कितना 3:15 बजे से स्टार्ट किए थे रोपनाई, तो इतना हो गया है थोड़ा सा, इधर ऊँचा था तो यहाँ घेर दिए हुए थे, और उधर बाकी रह गया है, तो उधर रोपते हैं, देखते हैं कितना रोपाता है डेढ़ रुपये तक, तो चलिए रोपते हैं। दोस्तों अभी 7 बज गया है, और देख सकते हैं पूरी तरह अभी अंधेरा हो चुका है, अभी अंधेरा हो रहा है, और थोड़ा सा बच गया है देख सकते हैं, और संतोष थोड़ा मदद कर दिए है, बहुत ज़्यादा मदद किए, चार गो पा के खींच दिए ना, तो इतना नहीं होता, थोड़ा और कम ही होता, तो चलिए इतना रह गया है, लगभग 3 गो पा रह गया है, तो ये कल आएंगे सुबह तो रोप देंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।